गुड इवनिंग दोस्तों, आज जब मैं अपनी बालकनी पर आया तो मैंने देखा कि कबूतर का छोटा सा बच्चा जो अपने घोंसले से गिर गया था, तो मैंने फ़िलहाल इसको उठा करके अपने कमरे के अंदर रखा हुआ है और मैं कोशिश करता हूँ कि इस कबूतर के छोटे से बच्चे को मैं इसके घोंसले में दोबारा से रखूँ, है ना। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ गणेश चतुर्थी की खूब सारी शुभकामनाएं। चलिए इस कबूतर के बच्चे की व्यवस्था करते हैं। जब मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा कि घोंसले में छोटा सा बच्चा ऑलरेडी बैठा हुआ था। मुझे फ्रेम जैसा आप देख रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि कबूतर का बच्चा जो है यहीं कहीं से गिर गया होगा। तो इस फ्रेम की जो खाली जगह थी वहाँ पर मैंने एक लोहे की जाली लगा दी है, इससे कबूतर का बच्चा दोबारा से गिर गया। और दोस्तों, ये करवा चौथ की छन्नी है जो मेरा चेहरा देखने के बाद दोबारा से आज पहली बार किसी की जान बचाने में इस्तेमाल हो रही है। तो इस कबूतर के बच्चे को मैंने जाली में रखा हुआ है और मैं अब इस जाली को ऊपर लेकर के जाता हूँ और इस बच्चे को मैं इसके घोंसले पर रख दूँगा और फिर कहूँगा जा कबूतर जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मैं आ गया हूँ ऊपर और इस छोटे से बच्चे को आप देख लीजिए। और जो कबूतर का जो बच्चा बहुत ही रेयर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कबूतर क्या होता है, जब तक बच्चा एक महीने का डेढ़ महीने का नहीं होता है तब तक उसके घोंसले से उड़ता नहीं है, हमेशा उसकी देख रेख करता है। तो ये मैंने इसको अच्छे से रख दिया है, ये देखिए अब ये मस्त हो गया है। और मुझे इस दिन मतलब मुझे इंतज़ार रहेगा कि एक बार इसके मम्मी पापा आकर के इसके पास बैठ जाएं तो मुझको लगेगा कि हाँ चलो भाई सब कुछ ठीक है अब। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा या आपको ऐसा लगा होगा कि चलो इसने कुछ अच्छा किया है, तो कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी दोस्तों। बाय दोस्तों।